दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूँ क्रेजी फॉर रियलिटी में। दोस्तों, जब से बड़े बजट वाली बाहुबली ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाया है, तब से बहुत बड़े बड़े बजट की फिल्में बनना शुरू हो गई हैं। अब केंद्र और राज्य में सत्ता में आने के बाद भी सरकार अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना पा रही है, तो लोगों को खुश करने के लिए यूपी सरकार मधु मंटेना के साथ मिलकर प्रभु राम के ऊपर 500 करोड़ की रामायण बनाने जा रही है। मतलब राम मंदिर ना सही तो प्रभु राम के ऊपर रामायण ही सही। दोस्तों, रामायण पर बनने जा रही इस फिल्म की स्टारकास्ट की डिटेल धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगी। अभी स्टारकास्ट फाइनल नहीं हुई है, इसे कई सारी भाषाओं में बनाया जाएगा, इसलिए मंटेना चाहते हैं कि इस फिल्म में हर इंडस्ट्री के एक्टर्स रोल प्ले करें। बताया जा रहा है कि इस फिल्म को बनाने की प्रेरणा उन्हें अमर चित्रकथाओं से मिली है। इस सीरीज को आनंद पाई ने शुरू किया था और उनकी कहानियों के कारण भारत की पौराणिक कथा काफी मशहूर हुई। रामायण एक कोशिश होगी आने वाली पीढ़ियों को नए तरीके से पुरानी कहानियां सुनाने की। दोस्तों, आजकल हर दूसरी तीसरी फिल्म 3D में बनने लगी है, तो इस फिल्म को भी 3D में ही बनाया जाएगा। ये फिल्म 3 पार्ट में बनेगी और इसे एक बहुत बड़ा डायरेक्टर बनाने जा रहा है, जिसका नाम जल्द ही घोषित कर लिया जाएगा। हर इंडस्ट्री के बड़े सितारे इस फिल्म का हिस्सा होंगे। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि इस फिल्म की तुलना सबसे ज्यादा बाहुबली से ही की जाएगी। इस फिल्म में सलमान खान से लेकर हृतिक रोशन तक की जगह होगी और 13 सुपरस्टार्स के साथ ये फिल्म बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म तो होगी ही, साथ में सबसे गौरवशाली प्रोजेक्ट भी होगा। अब ये फिल्म बॉलीवुड का बाहुबली को जवाब होगी या नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन ये तो तय है कि अगर ये फिल्म बनती है और इसी स्टारकास्ट के साथ बनती है, तो इसे ब्लॉकबस्टर होने से तो कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी रामायण और महाभारत ऐसी कहानियां हैं जिन्हें कितनी भी बार सुना दो पर वो पुरानी नहीं होती। फिल्म को देखने का सबसे बड़ा और अहम कारण ये भी होगा कि फिल्म की स्टारकास्ट क्या हो। दोस्तों, आपको बताते हैं कि राम और सीता के रूप में लोगों के मन में अरुण गोविल और दीपिका ने सालों से अपनी बेहतरीन छवि बनाई हुई है। ऐसे में उनकी छवि तोड़कर किसी और एक्टर को राम और सीता के साथ बाकी रामायण के कैरेक्टर्स के रूप में पेश करना काफी चैलेंजिंग होगा। चूंकि अभी स्टारकास्ट फाइनल नहीं हुई है, तो देखना दिलचस्प होगा कि इस फिल्म में बॉलीवुड के किस किस सुपरस्टार को काम करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और नीचे जो ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दिख रहा है, दोनों पर एक एक क्लिक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।